जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो आज है 7 जुलाई 2023 और आज की सबसे बड़ी अपडेट आर्मी की मैं आपको देने जा रहा हूं। और ये जानकारी सभी लड़के लड़कियों के लिए है जिनको नई भर्ती का इंतज़ार है या जिनका फिजिकल होने वाला था पोस्टपोन्ड हो गया है उनकी नई डेट से रिलेटेड, ठीक है। तो आज की जो नई नोटिफिकेशन आई है 7 जुलाई को, पहले उसको हम पढ़ लेते हैं। 7 जुलाई 2023 ये है नोटिफिकेशन, इसको हम कॉपी करके आपको सुना देते हैं हिंदी में। यहाँ से कॉपी किया, ट्रांसलेटर पे गए, क्लिक किए और आपको सुना दिए। रैली की तारीख बढ़ाई गई। एआरओ अहमदाबाद की रैली की तारीख पुनर्निर्धारित की गई है। रैली 29 जुलाई से 8 अगस्त 2023 तक साबर स्टेडियम हिम्मतनगर साबरकांठा में आयोजित की जाएगी। किसी भी प्रश्न के लिए कृपया एआरओ अहमदाबाद से संपर्क करें। इसका मतलब ये है, अगर किसी भी रैली को बढ़ाया जाता है तो आपको अपने एआरओ संपर्क करना है, ठीक है। एआरओ जहाँ पे आपका रैली ग्राउंड है वहाँ पे आपको संपर्क करना है। और ये जो रैली की तारीख बढ़ाई गई है, मौसम ख़राब होने की वजह से या ग्राउंड का जो मेंटेनेंस है उसको क्लियर ना होने की वजह से पुनः तिथि निर्धारित की गई है, ठीक है, अहमदाबाद की, ठीक है। और भी कोई रैलियों में बदलाव होता है तो आप लोग को सूचना दे दिया जाएगा। अब रही बात रैलियों की, तो रैली इस पूरे साल चलने वाली है हर एक सेंटर की। जब ये रैली ख़त्म हो जाती है तो आपके लास्ट तक एंड ऑफ द मंथ हो सके तो आप लोग के फॉर्म भरे जाने ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा न्यू रिक्वायरमेंट के लिए, या तो आपको नेक्स्ट ईयर में भी देखने को मिल सकती है न्यू रिक्वायरमेंट। और उसके लिए और अगर इंडियन आर्मी के अंतर्गत ऑफलाइन सिविलियंस के लिए वैकेंसी आती है तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। रही कुछ ऑफलाइन भर्ती, उसके बारे में भी बता देते हैं जो भी कैंडिडेट वेट कर रहे हैं डिफेंस से रिलेटेड वैकेंसी को लेकर, ठीक है, तो उसके बारे में भी आपको सूचना दे देते हैं। ऑफलाइन भर्ती में 2-3 ऑफलाइन भर्तियाँ हैं जिनका फॉर्म आप भर देंगे तो सही रहेगा। एक है इंडियन कोस्ट गार्ड नोएडा रिक्वायरमेंट, ठीक है, कोस्ट गार्ड की रिक्वायरमेंट है 2023। इसमें चाहे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, गूगल पे सर्च करके ऑफलाइन भर्ती है, फॉर्म डाउनलोड करके पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक है और ये एक ऑडियंस फैक्ट्री का था, ठीक है, इसका हो सके तो डेट जाने वाला होगा, इसे आप ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। और जो रिक्वायरमेंट ऑफिसर एंट्री पे आई हैं इंडियन आर्मी की, जो ऑफिसर रैंक पे भर्ती आई हैं उसे भी एक बार देख लेते हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन की हैं, एनसीसी स्पेशल एंट्री की एक आई है, ठीक है, और एनसीसी स्पेशल एंट्री वुमेन, जो एनसीसी का कैंडिडेट किया है उनके लिए वैकेंसी आई हैं। और ये जो फॉर्म पब्लिश डेट है 5 जुलाई की है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसका फॉर्म कब तक भरा जाएगा वो भी आपको बता देता हूँ। अनमैरिड कैंडिडेट इसे अप्लाई कर सकते हैं, 19 से 25 साल के सभी लड़के लड़कियाँ जिन्होंने एनसीसी किया है, और एज मैंने आपको बता दिया। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट 50% आप पास होने चाहिए, ठीक है, और आपका जो फॉर्म भरा जाएगा वो कब से कब तक है वो भी मैं आपको नीचे बता देता हूँ। अप्लाई मोड में क्या बता रहा है, ठीक है, नीचे आ जाते हैं। ये बेसिक कैंडिडेट की डिटेल है, जो आपको क्वालिफाइड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीट कितनी है वो आपको यहाँ पे दिखाई रहा है मेन वुमेन के लिए, ठीक है, उसके बाद ये रिजर्व कितनी है वो भी दिखाई दे रहा है, रैंक कौन कौन सी है वो भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, नीचे आ जाते हैं। ये सब बहुत ही अच्छी पोस्ट है आर्मी के अंतर्गत अगर आपने एनसीसी किया है तो, ठीक है। नीचे पे स्केल 56,000, इससे पे स्केल की बात नहीं करें तो ठीक है, इसमें पे स्केल बहुत ही बढ़िया है, परमानेंट वैकेंसी है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसकी जो एंड ऑफ डेट है 25 दिन रहती है फॉर्म भरने की डेट। नीचे कंफर्म डेट मैं आपको दिखा देता हूँ, डेट मेंशन कहाँ पे है वो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। नीचे आके यहाँ पे है डेट मेंशन, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी ओपन 5 जुलाई, ठीक है, 5 जुलाई से लेके आप लोग का 3 अगस्त, जून जुलाई अगस्त, ठीक है, अभी जुलाई का महीना चल रहा है, अगस्त तक फॉर्म अप्लाई होगा, तो फटाक से जाके फॉर्म अप्लाई कर दो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो। तो ये थी आज की कुछ बेसिक जानकारी रैली से लेके और नई वैकेंसी से लेके इंडियन आर्मी में, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, ऐसे ही और भी वैकेंसी या कोई नोटिफिकेशन आती है भर्ती से रिलेटेड तो आपको सूचना दे दिया जाएगा। कॉर्नर में बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर दबा दो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।